आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम लोग कर्व प्लेट पर लगने वाले बल और जेट के द्वारा कर्व प्लेट पर किए गए कार्य से संबंधित एक प्रश्न हल करेंगे। जैसा कि आपको कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 है इस चैप्टर नंबर 7 का। एक पानी का जेट जिसका व्यास 7.5 सेंटीमीटर है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वक्र प्लेट पर उसके केंद्र में टकराती है। वक्र प्लेट 8 मीटर पर सेकंड के वेग से जेट की दिशा में गति कर रहा है। यदि जेट प्लेट से 165 के कोण बनाते हुए बाहर निकलता है तो ज्ञात कीजिए, पहला, प्लेट पर जेट की दिशा में लगने वाला बल, दूसरा, जेट की शक्ति, तीसरा, जेट की दक्षता, है ना। तो यहाँ पे कर्व प्लेट है, और क्या है, कर्व प्लेट गतिमान अवस्था में है और वाटर का जो जेट है वो उस वर्क प्लेट को उसके केंद्र बिंदु पे टकरा रही है। तो इसके लिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इस तरीके से कोई वक्र प्लेट है ना, और यहाँ पे एक वाटर जेट स्ट्राइक कर रहा है ना, वी वेलोसिटी से, और ये प्लेट जो है यू वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। ये जेट टकराने के बाद इस प्लेट को प्रोफाइल को फॉलो करते हुए जेट के या जेट इस प्लेट के एंड से ऐसे आउटलेट पे चला जाता है। तो ये जेट जो है जेट की दिशा से ये डिफ्लेक्ट होता है, तो ये एंगल जो दिया हुआ है वो 165 डिग्री है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वेलोसिटी दिया है, ये वेलोसिटी भी दिया हुआ है, साथ ही साथ इस जेट का डायमीटर भी दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है प्लेट की दिशा में कितना शक्ति लग रहा, बल लग रहा है, जेट का शक्ति क्या है और जेट की दक्षता एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात तो डायमीटर ऑफ जेट डी दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्राप्त होगा 0.075 मीटर। एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ जेट पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्राप्त होगा 0.004417 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ जेट दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ प्लेट भी दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्मॉल यू, है ना। इसके अलावा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट ये दिया है 165 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये कितने वेलोसिटी से ये बाहर आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस यू से आएगा क्योंकि गतिमान है, तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बनाता है। तो ये थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 165 डिग्री, तो थीटा का मान हमें मिलेगा 15 डिग्री, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज हमें कैलकुलेट करनी है प्लेट पर जेट द्वारा लगाया गया बल, और किस दिशा में है, ये जेट के दिशा में ही बल है, मतलब हमें एफ एक्स कैलकुलेट करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कर्व प्लेट के लिए जब गतिमान अवस्था में हो, ये होता है रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। सारी वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए, वाटर है तो रो का मान होगा 1000, ये एरिया हमें पता है पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर 0.75 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 20 माइनस 8 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 15। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए तो ये एफ एक्स का मान हमें प्राप्त होगा 1250.38 न्यूटन। ये
जेट के द्वारा उस कर्व प्लेट पे जेट की दिशा में लगने वाला बल है जब जेट उसके मध्य बिंदु को टकराती है। ठीक है, दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करना है जेट की शक्ति, पावर ऑफ जेट। ठीक है, पावर ऑफ जेट क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जेट द्वारा जितना कार्य किया जाएगा प्लेट पे वही उसका शक्ति होता है ना। तो जेट द्वारा प्लेट पर जेट की दिशा में किया गया कार्य ना, जेट की दिशा में बल लग रहा है, उसी दिशा में उसमें गति प्राप्त हो रहा है प्लेट में, तो उसी दिशा में हमें कार्य भी प्राप्त होगा। और ये कार्य होता है एफ एक्स इंटू यू। यू क्या है, 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। एफ एक्स हमने कैलकुलेट किया है 1250.38 इंटू यू है 8 मीटर पर सेकंड। तो ये वर्क डन हमें प्राप्त होगा 1000.3.04। और ये वर्क डन हमें प्रति सेकंड में प्राप्त होता है, याद रखिए प्रति सेकंड में ये कार्य हमें प्राप्त होता है, न्यूटन पर सेकंड। इसी को हम लोग वाट भी बोल सकते हैं, तो ये पावर भी होता है। फाइनली हम जेट का जो पावर है वो किलो वाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किलो वाट में पावर क्या होगा, जेट की शक्ति किलो वाट में अगर कन्वर्ट करें, पी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन एफ एक्स इंटू यू अपान 1000। ये हमें पता है 1000.3.38 अपान 1000। तो इसको आप करेंगे तो ये पावर आपको मिलेगा 10 किलो वाट के आसपास, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे किसी ये प्राप्त होगा। इसके अलावा हमें एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है जेट की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ जेट। जेट की दक्षता क्या होती है, आउटपुट अपान इनपुट होता है, तो आउटपुट में क्या था, जेट द्वारा किया गया कार्य है ना प्रति सेकंड में, और इनपुट में क्या होता है, जेट का गतिज ऊर्जा है ना, जेट की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्रति सेकंड में इसको रखना है। ठीक है, तो ये वर्क डन तो हमें पता है एफ एक्स इंटू यू होता है अपान जेट की गतिज ऊर्जा हाफ हाफ एम बी स्क्वायर होगा, एम रो ए वी होता है और ये वेलोसिटी होता है वी। जेड से इतना काइनेटिक एनर्जी के साथ वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। एफिशिएंसी ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ एक्स यू इंटू यू अपान हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर होता है जेड से निकले हुआ नोजल से निकले हुए जेड का काइनेटिक एनर्जी, यही इनपुट का काम करता है। ठीक है, सारे वैल्यू को आप पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है 1000.3.04 न्यूटन मीटर पर सेकेंड है ना। और ये वर्क डन आप इसको रख लीजिए, वैल्यू पुट अप करिए और सॉल्व करिए, सारा वैल्यू हमें पता है। वी क्यूब हो जाएगा, 20 का क्यूब हो जाएगा। फाइनली आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ जेट हमें प्राप्त होगा 56.4 प्रतिशत। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ जेट। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, कर्व प्लेट पे टकराने वाली जेट का एफिशिएंसी और पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।